जिलाधिकारी पुलकित खरे पीलीभीत को खूबसूरत बनाने में आगे बढ़ चढ़कर काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विकास खंड पूरनपुर के अधिकारी उनकी मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। विकास खंड पूरनपुर के शेरपुर कला गांव के बीचों बीच पुराना तालाब जो जामा मस्जिद के पास है, तालाब धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है। गंदगी की वजह से यहाँ पर रहने वाले वराहगीरों को भारी परेशानी होती है। बीच गांव में तालाब स्थित है, उसके पास होम्योपैथिक अस्पताल व प्राइमरी स्कूल भी है। तालाब में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गांव के लोग उस तालाब में मरे जानवर भी डाल देते हैं, जिससे दुर्गंध फैल जाती है। तालाब के चारों ओर जलकुंभी फैला हुआ है, पानी काला हो चुका है। जिले के सबसे प्रदूषित तालाबों में एक इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए अधिकारी गंभीर नहीं, जबकि सफाई व सौंदर्यीकरण के लिए कई बार लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री जन सुनवाई पर सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए शिकायत की, तब ब्लॉक पूरनपुर के अधिकारियों ने बिना सफाई और सौंदर्यीकरण हो जाने की झूठी आख्या लगाकर शिकायत को निस्तारण कर दिया, जबकि मौके पर आज भी तालाब की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। यह तालाब अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है। तालाब सौंदर्यीकरण और साफ सफाई के अभाव में अपना अस्तित्व खोने लगा है। वर्तमान में तालाब की हालत तो ये है कि तालाब का पानी इतना दूषित है कि पानी को छूने का भी मन नहीं होता। चारों तरफ शैवाल और गंदगी से पटा हुआ है। इस गंदगी युक्त तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग कस्बे के नागरिकों ने की है, जबकि तालाब की जमीन की नाप राजस्व विभाग के अधिकारी भी कर चुके हैं। इस तालाब पर जिलाधिकारी की नजर आखिरकार कब जाएगी, कब इसका सौंदर्यीकरण होगा, ये देखने वाली बात होगी। मैं मीनू बरकाती निवासी शेरपुर कला का रहने वाला हूँ। एक तालाब है हमारे शेरपुर कला में होम्योपैथिक अस्पताल, और वहाँ पर जो है सरकारी अस्पताल भी है, जामा मस्जिद भी है, प्राइमरी स्कूल भी है और पंचायत भवन भी है। और गांव के बीचा बीच में एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसका सौंदर्यीकरण और सफाई होना बहुत जरूरी है। और डीएम सर का भी अभियान चल रहा है, तालाबों को सौंदर्यीकरण किया जाए, उनकी सफाई किया जाए, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इतनी शिकायतें उच्च अधिकारियों से की, लेकिन उसका निस्तारण नहीं किया गया। फर्जी निस्तारण कर दिया गया, वहाँ पर दिखा दिया गया कागजों में इसकी सफाई हो गई है, सौंदर्यीकरण हो गया, लेकिन ऐसा अभी मौके पर कुछ भी नहीं हुआ है। डीएम पीलीभीत को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक पूरनपुर के अधिकारी उनके इस अभियान पर जो है इसका उल्टा दिखा रहे हैं। वहाँ पर क्या नाम है आपका? फहीम बेग। क्या मामला है तालाब का, जो जामा मस्जिद के पास तालाब है, उसका क्या मामला है? अरे तालाब के कई मरतबा मतलब लिखा पढ़ी भी करी गई, इसका चाहते हैं हम सुंदरीकरण बन जाए। एक आवाज़ है कि निकलने बैठने वालों को बहुत ही गंदगी है वहाँ पर, जिसके पास एक विद्यालय भी है और अस्पताल भी है और जामा मस्जिद भी है, धार्मिक चीज मतलब इतनी गंदगी है जिसका ठीक नहीं। गाँव के अंदर ये सुंदरीकरण अगर बन जाए तो गांव में साफ़ सफाई भी होगी और बढ़िया सा तालाब का साफ़ सफाई होके बढ़िया सा बन जाए जिसका, तो कई मरतबा इसकी शिकायतें करी गई, मंगल निधन में भी दिया गया, जिसके कागज़ भी रखे हुए हैं और फिर हमारे भाई लोग लगे हुए हैं इसमें इसी काम से कि इसकी गांव की ये गंदगी दूर हो जाए, तालाब साफ़ हो जाए। सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे हैं जी? हाँ, सौंदर्यीकरण हो जाए इसकी मांग है, आम जनता की मांग है।